सदियों पुरानी परंपरा का निर्वाह हर वर्ष पूरे उत्साह और उमंग के साथ होता आ रहा है। फिर परिस्थितियां कुछ भी हो, भक्तों की आस्था हर परिस्थिति पर भारी पड़ जाती। महाराष्ट्र श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर सैकड़ों वर्षों से धारनाथ महाराज का छबीना धूमधाम से निकलता आ रहा है। इस दिन बाबा धारनाथ पूरे धार शहर का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। प्रजा भी पलक पावड़े बिछाए अपने अधिष्ठाता का इंतजार करती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी धारेश्वर मंदिर में बाबा धारनाथ की पालकी में प्राण प्रतिष्ठा की गई और भक्त मंडल द्वारा महाआरती की गई, जिसमें धार कलेक्टर, एसपी और विधायक सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उसके बाद प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और शुरू हुई धारेश्वर महाराज की नगर भ्रमण की यात्रा। धारेश्वर मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा पूरे शहर में धूमधाम से निकाली गई। छबीने को लेकर लोगों में भारी उत्साह था और श्रद्धालु पूरी आस्था और उमंग के साथ यात्रा में शामिल हुए। छबीने में भक्त मंडल के लोग अपनी वेशभूषा में ढोल ताशे और झांझर बजाते हुए पूरे उत्साह के साथ यात्रा में चल रहे थे। उनका उत्साह पूरे चरम पर था और ढोल और नगाड़ों के साथ वे पूरे यात्रा मार्ग पर झूमते और नाचते हुए चल रहे थे। धार शहर की सड़कें भक्तों की भीड़ से भर गई। वहीं सड़क के दोनों किनारे लोगों की भारी भीड़ छबीने के इंतजार में काफी देर तक डटी रही, जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या काफी अधिक थी। और हो भी क्यों ना, पूरे वर्ष भर भक्तों को अपने भगवान की यात्रा के दर्शन का इंतजार जो रहता है। लोगों ने पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह छबीने की पूजा अर्चना की और स्वागत किए। कुशल मंगल की कामना के साथ लोगों ने बाबा के दर्शन किए। वहीं प्रशासन भी यात्रा को लेकर कई दिनों पूर्व से ही तैयारी शुरू कर देता है। आज भी छबीने को देखते हुए पूरे धार शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। वहीं पूरी यात्रा के दौरान शुरुआत से लेकर आखिरी तक पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी छबीने के साथ चलते रहे। बाबा धारनाथ छबीने में आज निकले हैं अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए, और वर्ष में एक बार प्रभु स्वयं निकल के प्रजा को दर्शन देते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा उत्सव है। आज पूरे क्षेत्र की जनता उनके दर्शन के लिए गलियों में खड़ी है। पूरी पुख्ता इंतजाम है। पिछले एक हफ्ते से पुलिस प्रशासन लगातार सुरक्षा इंतजाम किए हैं और जनता भी काफ़ी इस बार जागरूक है। उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। आज हमने ये कामना की है कि अच्छी बारिश हो, किसान हमारे खुशहाल हों, और जो कोरोना की दो लहर से हम लोग जूझते रहे हैं, प्रभु करें कि तीसरी लहर जैसी कोई चीज़ ना आए, लोग सुखी हों, निरोग हों और समृद्ध हों, यही बाबा से कल्पना है। सर, आम लोगों की सहभागिता नहीं, सीमित लोगों को जो है छबीने में शामिल होने की, सभी लोग दिल दिमाग से बाबा के साथ हैं। कोई घरों से दर्शन कर रहे हैं, कोई गलियों से दर्शन कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आम जनता ही है यहाँ पे। केवल दो चार लोगों के पूजन के बाद पूरी जनता के लिए ही प्रभु दर्शन देने निकले हैं, तो ये कहना सही नहीं है कि आम लोग नहीं है। ये केवल कारण यह है कि कोरोना से उनकी बचाव हो सके, इसलिए लोग डिस्टेंस से अपने घरों से, खिड़कियों से, दरवाजों से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं।